हेलो फ्रेंड्स, मैं निगत परवीन खान, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर राज व्यवस्था के एफटीआर में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के जो एमसीक्यूज, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम हल करने वाले हैं, वो इन टॉपिक से होंगे, संसद और स्थानीय स्वशासन। आई होप आपने स्केड्यूल जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में स्केड्यूल मिला है कि हर दिन किन टॉपिक्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, तो इन टॉपिक्स पर आज के सवाल होंगे। और जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, मैं दोहराती हूँ कि उनके लिए यही सेम टॉपिक यही सेम टाइम पर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इंग्लिश मीडियम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप अभी वहाँ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये एमसीक्यूज थ्रू आउट इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के साथ वहां पाइए। फाइन विद दैट। और कल जो राजव्यवस्था का एफटीआर सेशन होगा शाम 6 बजे, वो लाइव होगा। मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में ही कि 3 सेशंस के बाद मैं एक लाइव सेशन लिया करूंगी। कल का जो सेशन होगा शाम 6 बजे, उसमें पहले की 3 एपिसोड में जो क्वेश्चंस डील किए गए उसके इर्द गिर्द, मतलब उसके आसपास के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मतलब शुरू की 3 एपिसोड्स के जो टॉपिक्स होंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कल के लाइव में। और जो कुछ विविध टॉपिक्स होते हैं राजव्यवस्था में या संविधान में, उन पर से भी। मैंने कहा था कि बहुत सारे से टॉपिक्स होते हैं जो अलग से मेंशन नहीं होता, लेकिन पीएससी की प्रॉब्लम्स में, पॉलिटी में उन टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो जो जो चीज़ें आपके अभी के एफटीआर के स्केड्यूल में टॉपिक्स मेंशन नहीं है, वो टॉपिक्स पर से भी क्वेश्चंस होंगे कल के लाइव में और आगे जो 1-2 एपिसोड्स के बाद लाइव होगा उसमें भी, ठीक। तो ये आपकी तैयारियों को जांचने के लिए एक सही मौका है, तो कल लाइव के लिए तैयार रहें शाम 6 बजे, फाइन। और एक और बात आपसे शेयर करनी थी कि कंपटीशन कम्युनिटी आप लोगों के लिए लेकर आया है एफटीआर का वीकली टेस्ट सीरीज। जी हाँ, अब आप एक हफ्ते जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे एफटीआर में देखते हैं, उन सब के ऊपर से एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट आपको हर संडे अवेलेबल करवाया जाएगा कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट पे सुबह 11 बजे, जिसका रजिस्ट्रेशन फ्राइडे से स्टार्ट होगा। तो फर्ज करिए 15 दिसंबर से पॉलिटी के एफटीआर से ये सेशन शुरू हुआ है, तो 15 के बाद 16 दिसंबर से आप जानते हैं कि मॉर्निंग में छत्तीसगढ़ जीएस भी चल रहा है, एक दिन में 2 एपिसोड्स हैं। तो ये 15 दिसंबर से पूरा एक वीक छत्तीसगढ़ का जीएस का जो पोर्शन कवर हुआ और पॉलिटी का जो पोर्शन कवर हुआ उसके ऊपर टेस्ट होगा संडे को सुबह 11 बजे। ये फ्री होगा और कोई भी इस टेस्ट को दे सकता है। 50 क्वेश्चन का सेट होगा, यही प्रश्न होंगे, ऐसी बात नहीं है, इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे जो टॉपिक्स को डील किया गया है, ठीक। और रजिस्ट्रेशन फ्राइडे से होगा, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और उस टेस्ट का फायदा उठाइए। सो हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर। संसद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपने कभी मेरे मोबाइल लेक्चर्स, मोबाइल कोर्स के लेक्चर्स देखे होंगे, तो आप जानते ही होंगे कि मैंने सबसे ज़्यादा लेक्चर्स इसी टॉपिक के लिए पॉलिटी में, क्योंकि जितनी विविधताएं प्रश्नों की इस चैप्टर में होती है, उतनी शायद ही किसी और चैप्टर में सब पॉलिटी की होती होंगी, ठीक। 6-7 लेक्चर संसद के अकेले बनते हैं और तब भी कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाता है, ऐसा है। और आपने पीएससी में भी देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो संसद से आते हैं। उसके अलावा स्थानीय स्वशासन भी मैंने यहाँ पर रखा है। संसद के ज़्यादा प्रश्न होंगे, स्थानीय स्वशासन के कम होंगे। उसकी वजह ये है कि स्थानीय स्वशासन में आने वाले पंचायती राज और नगरीय निकायों पर छत्तीसगढ़ जीएस में एक ब्रीफ सेशन होगा। आप जानते हैं कि जो संविधान में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है, उससे ज़्यादा राज्य का जो अधिनियम है पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित, उस पर से प्रश्न अधिक बनते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का जो जीएस है उसका पार्ट है, ठीक है। तो उसका जो एफटीआर है वो छत्तीसगढ़ जीएस में कवर होगा। यहाँ हम एक छोटा टॉपिक ले रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके संवैधानिक पहलुओं पर से बेस्ड होगा, ठीक है। जो अनुसूची 11 और 12 में संवैधानिक प्रावधान है पंचायती राज और नगर पालिकाओं के, उससे संबंधित 2-4 प्रश्न होंगे, बस डिटेल प्रश्न छत्तीसगढ़ के जीएस में होंगे, जो राज्य के अधिनियम से भी संबंधित होंगे। फाइन विद दैट, ठीक। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, किस घटना को निचले सदन के विश्वास के नुकसान का संकेत नहीं माना जाता? प्रश्न समझ गए आप? किस घटना को निचले सदन के विश्वास के नुकसान, विश्वास के नुकसान यानी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि नो कॉन्फिडेंस जैसा, अविश्वास जैसा, विश्वास का नुकसान एक लिखने का बस तरीका है, अविश्वास जैसा नहीं माना जाएगा। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो अविश्वास प्रस्ताव के बराबर या अविश्वास के बराबर नहीं मानी जाएगी संसद में? क्या वो स्थगन प्रस्ताव का पारित होना है? क्या वो राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना होना है?
किसी विधेयक पर कटौती प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पारित होना। बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए, स्थगन प्रस्ताव का पारित होना, क्योंकि बाकी के जो तीनों ही कथन हैं उससे कहीं ना कहीं निचले सदन यानी लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास झलकता है। जैसे कि राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना होना। आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति दो बार धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। जब लोकसभा चुनाव के बाद पहली मीटिंग होती है लोकसभा की, तब वो एक बार अपना अभिभाषण देता है, और उसके अलावा हर वर्ष का जो पहला सत्र होगा, उसकी जो पहली बैठक होगी, उसमें भी वो अपना भाषण देता है, ठीक है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव या मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। ये एक तरह की औपचारिकता है, और राष्ट्रपति इसमें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को ही गिना रहा होता है। चाहे वो साल के पहले सत्र की पहली मीटिंग में धन्यवाद प्रस्ताव का भाषण प्रस्तुत कर रहा हो, चाहे वो कोई नई लोकसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में भाषण दे रहा हो, उस वक्त जो सरकार या तो नई चुन किया है या जो मौजूदा है उसकी उपलब्धियां और उसके आगे के जो प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, उसके बारे में ही वो बोल रहा होता। धन्यवाद प्रस्ताव का कंटेंट ही वो रहता है, उसका अभिभाषण तैयार ही सरकार के नुमाइंदे करते हैं। कुल मिला के सरकार की ही बातों को राष्ट्रपति संसद के मंच पर रखता है औपचारिकता रूप, तो इसे धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। तो यदि ये पारित ना हुआ, इसका मतलब यह है कि संसद में मौजूदा जितने दूसरे सांसद हैं उन्हें सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर विश्वास नहीं है, तो यह अविश्वास के बराबर कहलाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना अविश्वास के बराबर कहलाता है। दूसरा, किसी विधेयक पर कटौती प्रस्ताव लाना। कटौती प्रस्ताव आपने पढ़ा होगा, खासतौर पर बजट के समय हम पढ़ते हैं कटौती प्रस्ताव। उसके अलावा बहुत सारे तरह के, जैसे कि मान लीजिए नीतिगत कटौती प्रस्ताव होता है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव होता है, उसके अलावा आर्थिक कटौती प्रस्ताव होता है। ये जो तीनों तरह के कटौती प्रस्ताव होते हैं ये बजट के दौरान आते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई प्रावधान में, मान लीजिए किसी विशेष मद में कुछ पैसे रखे गए और उस मद के लिए कटौती प्रस्ताव आ गया और वो पारित हो गया, जैसे नीतिगत प्रस्ताव, मान लीजिए एक स्कीम ए है उसके लिए 100 करोड़ रखे गए बजट में और उसके लिए नीतिगत प्रस्ताव आया, नीतिगत प्रस्ताव मतलब वो स्कीम ए को ही रद्द करने का प्रस्ताव होता है, तो अगर मान लीजिए वो नीतिगत प्रस्ताव पारित हो जाता है तो स्कीमें हटा दी जाएगी। तो इस तरह से यदि नीतिगत प्रस्ताव पारित हो गया तो वो अविश्वास के बराबर होगा, मतलब सरकार ने एक नीति लाई जिसमें 100 करोड़ अलॉट किए, लेकिन अब संसद नहीं चाहती कि वो नीति आए, ठीक है, वो नीति को ही हटाना चाहती है, तो मतलब उसे सरकार की इस नीति बनाने के फैसले पर संशय है, मतलब उसे विश्वास नहीं है कि ये नीति सही बनी होगी, समझ रहे हैं। देखिए अभी एकदम सिलसिलेवार तरीके से तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन संसद के एक सेक्शन में जब आप बजट पढ़ते हैं, तब जब अनुदान की मांग वाला सेक्शन होता है, तब मैं आपको कटौती प्रस्ताव के कुछ पहलू बताती हूँ। उसके अलावा दूसरे कटौती प्रस्ताव भी होते हैं, तो मैं एग्जाम्पल वहीं से ले रही हूँ कि मान लीजिए कोई बजट के किसी मद पे कुछ पैसों के लिए नीतिगत प्रस्ताव आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस नीति को हटाने के लिए अनुशंसा कर रही संसद। इसका मतलब ये हुआ कि संसद को यकीन नहीं है कि सरकार ने सही नीति बनाई, उसमें सही पैसे लौट किए। तो अगर वो कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मतलब कि वो अविश्वास के बराबर कहलाएगा, तो ये भी अविश्वास के जैसे ही कार्य करता है, ठीक। और तीसरा देखिए, निंदा प्रस्ताव पारित होना। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? निंदा प्रस्ताव लोकसभा में आता है, सरकार की किसी निर्णय या विधान या किसी भी योजना की निंदा करने के लिए, निंदा करने के लिए। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में काफी फर्क है। निंदा प्रस्ताव अविश्वास के बराबर कहलाता है, पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता, ठीक है। ये अविश्वास के बराबर है इसे, पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जब आता है वो पारित हो जाता है तो जो सरकार है वो भंग हो जाती है, पर निंदा प्रस्ताव आता है वो पारित हो जाता है तो सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो कम होती है, अविश्वास के बराबर होती है। हो सकता है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो संबंधित सांसद है, जो मंत्री है, वो इस्तीफा दे दे अपने पद से, लेकिन पूरी सरकार भंग नहीं होती। देखो निंदा प्रस्ताव क्या होता है, कहा मैंने, सरकार ने कोई निर्णय ली होगी, कोई योजना बनाई होगी और सदन में उस योजना निर्णय के खिलाफ एक प्रस्ताव आया कि हम इस योजना निर्णय की निंदा करते हैं,
ठीक एक प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव आने जब पारित हो गया मतलब सदन के ज्यादातर सदस्य निंदा करते हैं, तो मतलब सदन को सरकार की उस नीति या निर्णय पर विश्वास नहीं है, तो ये भी अविश्वास के बराबर कहलाएगा। हालांकि क्या कहा मैंने, इससे सरकार भंग नहीं होगी। ठीक, देख सकते हैं आप कि बी सी डी जो है वो अविश्वास के बराबर है, लेकिन पहला स्थगन प्रस्ताव पारित ना होना अविश्वास के बराबर नहीं होता। स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सदन की कार्यवाही में जब कोई विशेष मुद्दे पर चर्चा हो रही हो, मतलब उस दिन के एजेंडे पर चर्चा हो रही हो, तब कोई आकस्मिक लोक महत्व का मुद्दा आ जाए और वर्तमान मुद्दे को रोककर नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन तैयार हो जाए। इस लाइन को फिर से सुनिए अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत डिटेल जानना है तो आप मोबाइल कोर्स के मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने कहीं ना कहीं एडजर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव को डील किया, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया। फिर भी मैं एक सतही तौर पर बता देती हूँ कि मान लीजिए आज का एजेंडा है लोकपाल बिल, आज सदन बैठी ही है लोकपाल बिल पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कहीं पर दंगे भड़क गए, हम चर्चा कर रहे सदन में बैठे लोग चर्चा कर रहे, कहीं पर दंगे भड़क गए और अभी बहुत जरूरी है कि उन दंगों के ऊपर चर्चा संसद में की जाए, जबकि चर्चा किसकी हो रही, लोकपाल बिल की, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव अगर मान लीजिए पारित हो गया, उसके भी बहुत सारी कंडीशन होते हैं कि कैसे लाया जाएगा, पारित होगा भी उसमें मैं नहीं जाऊंगी। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, अगर पारित हो गया तो मान लीजिए लोकपाल बिल पर चर्चा हो रही है, तो इस चर्चा को स्थगित कर दिया जाएगा, आज का एजेंडा जो रहेगा उसको स्थगित कर दिया जाएगा और जो आकस्मिक मुद्दा आ चुका है, जैसे कि जो अभी कहा मैंने कि कहीं दंगे भड़क गए मान लीजिए, उस पर चर्चा करना है, तो फिर वो प्रस्ताव को ले आएगा कि भी थोड़ी देर इस पर चर्चा करते कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो किसी वर्तमान मुद्दे को स्थगित करके नए आकस्मिक लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। तो स्थगन प्रस्ताव तो सिर्फ एक एलिमेंट है, एक टूल है पार्लियामेंट का, ताकि प्राथमिकता के आधार पर जो मुद्दे हैं उनकी चर्चाएं हो सके। हालांकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिमिट है, इसके अपने बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसके पारित होने से अविश्वास के तुल्य ये नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए ए स्थगन प्रस्ताव पारित होना अविश्वास के बराबर नहीं कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया। देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक एक ही डील किया है, पर मैंने इन सभी चीजों का विवरण जो दिया है ना, वहां से सवाल अक्सर बनते हैं, आप क्वेश्चंस उठाकर टटोल कर देख लीजिए, कुछ ना कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कंसेप्चुअल आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर है, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य असत्य कथन सुमेलित करना या कथनों को चुनिए, इस तरह के सवाल अक्सर बनते हैं स्पेशली पॉलिटी वाले टॉपिक से, ठीक। तो देखिए इसमें आपको असत्य कथन को चुनना है ना, असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक एक करके एनालाइज करते हैं फिर लास्ट में आंसर देखते हैं। प्रत्यानुदान के तहत अनुदान पारित करने के लिए विनियोग अधिनियम आवश्यक नहीं है। प्रत्यानुदान मतलब वोट ऑफ क्रेडिट। अच्छा पहले मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि संसद के कौन से हिस्से में आपको अभी दिमाग लगाना है, ठीक है। चारों ऑप्शन एक ही पार्ट से है। पुनः विनियोग में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं शामिल है, राज्यसभा को अनुदान की मांग के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं है, विनियोग विधेयक पर किसी भी सदन में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्या समझ में आया कि संसद की किस भाग से ये प्रश्न उठा है? ये भी बजट वाले भाग से ही उठा है एक्चुअली, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे अवधारणाएं हैं, इस वजह से वहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं, ठीक। उसमें अनुदान की मांग जो शब्द आप देख रहे हैं, प्रत्यानुदान जो आप देख रहे हैं, पुनः विनियोग देख रहे हैं, विनियोग विधेयक देख रहे हैं, ये सब बजट की जो प्रक्रिया है उसी से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, उसी पर से है और पूछ रहे कि इसमें से कौन सा कथन जो इस अवधारणा से संबंधित है असत्य है, ठीक है। तो इसको अब हम एक एक करके देखते हैं। प्रत्यानुदान के तहत अनुदान पारित करने के लिए विनियोग अधिनियम आवश्यक नहीं। देखो विनियोग विधेयक या विनियोग अधिनियम अनुच्छेद 114 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 114 के अनुसार जब भी संसद की संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना होता है, चाहे वो कोई भी पैसा क्यों ना हो, योजना के लिए, किसी को पेंशन देने के लिए, किसी को वेतन देने के लिए, किसी को अनुदान देने के लिए, किसी का ऋण चुकाने के लिए, कुछ भी जब पैसा निकालना होता है संसद की संचित निधि से, तब एक
चाबी के जैसे विनियोग विधेयक का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए संसद एक कोष है, उसमें ताला लगा है और उससे हमको अंदर पैसे कुछ निकालने हैं, तो पैसे निकालने के लिए उस ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए। वो चाबी है विनियोग विधेयक जो अनुच्छेद 114 में दिया है। कुछ भी पैसा आपको निकालना है तो विनियोग विधेयक पारित होगा तब वो ताला खोलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी अनुदान लिख लो या कोई भी संसद संचित निधि से निकालने वाले पैसे निकल लो, उसको निकालने के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना आवश्यक है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके तहत अनुदान पारित करने के लिए विनियोग विधेयक आवश्यक नहीं है। ठीक है, मैंने कहा आवश्यक है पर इसने लिखा नहीं है, इस वजह से ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रत्यानुदान क्या होता है, इसको वोट ऑफ क्रेडिट हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब बजट के दौरान किसी मंत्रालय को अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है पर वो उसका मद नहीं बता पाता कि किस लिए मुझे जरूरत है, तो एक ब्लैंक चेक के रूप में वो प्रत्यानुदान के तहत कुछ राशि लेके रख लेता है। ठीक, कि इन फ्यूचर एक साल के अंदर कभी जरूरत पड़े तो उसका वो यूज कर ले। ठीक है, तो ये प्रत्यानुदान होता है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप डिटेल बाद में पीडीएफ में देख सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं या मेरे मोबाइल कोर्स के लेक्चर में देख सकते हैं। तो ये भी एक तरह का अनुदान ही है जो मंत्रालय राजकोष से निकलवाना चाहता है। ठीक, तो अनुदान है, निकलवाना चाहता है, तो विनियोग विधेयक तो पारित करना पड़ेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, असत्य कथन इनमें से कौन सा है, तो शायद मिल गया हमको आंसर, लेकिन क्या बाकी की तीनों नहीं देखें, देखना पड़ेगा ताकि आपके दूसरे प्रश्न बने। पुनः विनियोग में कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं होता, ये बिल्कुल सही। पुनः विनियोग का मतलब होता है जब किसी मंत्रालय ने अपने एक प्लान के लिए कुछ पैसा लिया, दूसरे प्लान के लिए कुछ पैसा लिया, लेकिन उसे साल के बीच में ऐसा लगता है कि एक प्लान से कुछ पैसा शिफ्ट करके दूसरे प्लान में लगा दो। ठीक है, मैंने प्लान ए के लिए 100 रुपए लिया, मैंने प्लान बी के लिए 100 रुपए लिया, पर मुझे साल के बीच में ऐसा लगता है कि वो 100 रुपए के नहीं, मेरा काम 50 रुपए में हो जाएगा और इसका 50 रुपए मुझे मैं प्लान बी में लगा दूं क्योंकि उसमें जरूरत है। तो ऐसे में क्या होता है, एक सांकेतिक अनुदान का एक प्रावधान है जिसमें हम एक तरफ के पैसों को दूसरे तरफ लगा देते हैं और उसके लिए उसको कहा जाता है पुनः विनियोग करना, रीअप्रोप्रिएट करना। यानी जो खाता है जहां से हमने पैसा निकाला उसमें लिखा था ना कि प्लान ए के लिए 100 रुपए निकल रहे, प्लान बी के लिए 100 रुपए निकल रहे, पर अब हम उसको क्या करवा देंगे, वहां पे खाते में चेंज करवा देंगे कि प्लान ए के लिए 50 रुपए निकले, प्लान बी के लिए 150 रुपए निकले। तो हम अपने पैसों को इधर से उधर ले रहे हैं लेकिन एक से दूसरे मद में शिफ्ट करवा रहे, तो उसको रीअप्रोप्रिएट करना बोलते हैं या पुनः विनियोग करना बोलते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस में कोई भी अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं होता, ना कोई पैसा निकलता ना लगता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है, राज्यसभा को अनुदान की मांग के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, जब आप बजट की पूरी प्रक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें एक चौथा पॉइंट होता है अनुदान की मांग। ये मंत्रालय पर होते हैं, जब एक मांग पर पूरी वोटिंग हो जाती है तब वो अनुदान की मांग कहलाती है और हर मंत्रालय अपने 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 विभाग के लिए कुछ पैसों की मांग करता है, इसको अनुदान की मांग कहते हैं। आम बजट में कुल मिलाकर 109 अनुदान की मांगे हैं, जिसमें से जो 103 हैं वो नागरिक मांगे होती हैं और जो 6 मांगे होती हैं वो सैन्य मांगे होती हैं। अनुदान की मांगों से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉजेज हैं जिसको बारीकी से आपको पढ़ना रहता है, वहां से प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक है, जैसे कि दो खास बात, अगर हम अनुदान की मांग की बात करें, अनुदान की मांग मतलब मैं मंत्रालय हूँ, मुझे बजट से पैसा चाहिए, मैं मांग करूंगी मेरे को कितना पैसा चाहिए। ठीक है, ये बजट के जो चर्चा हो रही होती है ना, विश्लेषण वाला, जहाँ पे काटछाट हो रही होती है बजट पर, जहाँ पे आपके कटौती प्रस्ताव वगैरह आ रहे होते, उस समय के लिए एक स्टेप है। जब मैंने, जैसे मंत्री ने मुझे अलॉट कर दिया पैसा पर मुझे उसमें कुछ काट छाट करनी है और अनुदान की मांगे करनी है, तब उस स्टेप में ये पैसे मांगे जाते हैं। तो कुल 109 मांगे होती है, 103 नागरिक और 6 जो है वो सैन्य मांगे होती है। इसमें राज्यसभा को मत डालने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को अधिकार है, तो वही इसमें मतदान कर सकती। पहला एक पॉइंट याद रखा अनुदान की मांग में। दूसरा, इसमें जो भारित व्यय होते हैं ना, उस पर भी हमें प्रश्न देखेंगे आगे, भारित व्ययों पर, संचित निधि और भारित व्यय, वो शामिल नहीं किए जाते, बस संचित निधि से किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक पॉइंट इसमें लिखा है कि राज्यसभा को अनुदान की मांग के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक, आगे का जो स्टेटमेंट उसको चेक करते हैं। विनियोग विधेयक पर किसी भी सदन में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है।
विनियोग विधेयक जिसका भी उल्लेख किया था मैंने, अनुच्छेद 114, जिसके बाद ही संचित निधि से पैसे निकाले जा सकते हैं। जब ये चरण चल रहा होता है, चरण की बात कर रहा है, विनियोग विधेयक पर का मतलब क्या होता है, संसद में जब बजट पास होते हैं ना तो होता है ना तो 6 चरण होते हैं। पहले जो बजट होता है उसका प्रस्तुतिकरण होता है, बजट प्रस्तुत होता है, फिर उसके बाद आम चर्चा होती है, फिर उसके बाद विशेषज्ञ समितियों द्वारा, विशेष समितियों द्वारा उसका विश्लेषण होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, फिर चौथा अनुदान की मांग, अनुदान की मांग, ठीक। फिर पांचवा होता है ये विनियोग विधेयक पारित करना, विनियोग, और अंतिम होता है वित्त विधेयक का पारित करना। तो प्रस्तुतिकरण, आम चर्चा, विशेष समितियों द्वारा विश्लेषण, अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना, ये 6 चरणों में बजट संपन्न होता है। तो इसमें जो विनियोग विधेयक पारित करने वाला चरण होता है ना, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होता। जितना संशोधन वगैरह होना रहता है वो जो अनुदान की मांग का स्टेज होता है, जो भी काट छाट होनी रहती उस समय हो जाती है। विनियोग विधेयक सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता है जिसमें ये पूरी तरह से पारित किया जाता है और उसके बाद ही बजट में जितने अंतिम पैसे डिसाइड किए गए हैं वो पैसे संचित निधि से निकाले जाते हैं। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि कोई संशोधन इसमें नहीं होता, इससे पहले वाले अनुदान की मांग तक सारी काट छाट हो गई रहती, ठीक है। तो इस तरह से एकलौता सत्य कथन है, इसलिए हमारा आंसर है ए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, एक पेटेंट जैसे कि पॉलिटिक आता है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान की स्थिति में समाप्त हो जाएगा। और उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है आपको, सत्य कथन का। किस सेक्शन से है ये प्रश्न, ठीक है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा था प्रश्न लास्ट उसमें आपने बोला था, आप गौर से यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्या है, और अब तक कई लोग एनालिसिस कर भी चुके होंगे क्या होगा आंसर, कौन से सेक्शन से है। अगर आपने संसद को डिटेल में पढ़ा है तब वहां पर एक सेक्शन आता है विघटन, लोकसभा का विघटन। जब आप संसद के सत्र के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना तो वहां पे एक अवधारणा आती है लोकसभा का विघटन, ठीक। तो लोकसभा का, जाहिर सी बात है लोकसभा का विघटन होगा, राज्यसभा का तो होगा नहीं। तो लोकसभा का विघटन जब भी होता है उस समय जो लंबित विधेयक होते हैं जो कि अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा पारित नहीं हुए रहते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे 5-7 पॉइंट में हम समझते हैं, ठीक है। अगर आपने वो सेक्शन पढ़ा होगा आप मेरे मोबाइल कोर्स में देखेंगे, अच्छा खासा 15-20 मिनट तक के समझने वाली बात है कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने एक टेबल के जरिए से बताया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इंडिकेट कर रही हूँ कि हम किस तरफ से ये क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, किस तरफ से ये क्वेश्चन डील हो सकता है, ठीक है। जब लोकसभा विघटित हो जाती है, चाहे वो स्वयं 5 साल में हो चाहे वो राष्ट्रपति उसे विघटित कर दे, तो जो कोई भी ऐसा बिल जो अभी प्रक्रिया में है, कोई ऐसा बिल हो सकता है वो लोकसभा में हो सकता है वो राज्यसभा में विचाराधीन हो सकता है राष्ट्रपति की टेबल पर पड़ा है और इधर लोकसभा विघटित हो गई, राज्यसभा में पड़ा हुआ लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा में कोई बिल है और लोकसभा विघटित हो गई, तो वो जो लंबित विधेयक है जो विचाराधीन है जो अभी तक तीनों स्तर से पास नहीं हुआ है उस विधेयक का क्या होगा, वो लैप्स होगा कि नहीं, वो समाप्त होगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी 7 कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशंस में से ही 2 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि कौन से केस में वो बिल ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, कौन से केस में नहीं होगा, ठीक। तो देखिए पहला है राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, विधेयक कहाँ है, राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोकसभा में गया ही नहीं है। अगर वो लोकसभा द्वारा पारित होके राज्यसभा में लंबित होता मतलब वो लोकसभा का विधेयक है। देखो 3 चरण है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कोई विधेयक इन तीनों में से किसी भी एक जगह होगा जब लोकसभा विघटित हुई होगी। तो बोल ये रहा है कि बिल जो पेंडिंग है वो राज्यसभा में, ठीक, लोकसभा से अभी पारित नहीं हुआ मतलब यहाँ पहुंचा ही नहीं है अभी तक, है ना।
अगर पेंडिंग यहाँ है और यहाँ से पारित नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ यहाँ से, अगर मान लीजिए वो यही का बिल रहता और ये लोग उसको फेल कर देते बिल्कुल, तो वो राज्यसभा फॉरवर्ड ही नहीं होता। थोड़ा दिमाग लगे क्या बोलना चाह रही, मतलब वो बिल लोकसभा का है ही नहीं, वो राज्यसभा में ही वो बिल आया, राज्यसभा में ही अभी वो पारित नहीं हुआ है, चर्चा वाले स्टेज पे है और अभी लोकसभा नहीं गया है। और जाहिर सी बात है जब दोनों सदनों से वो नहीं गुजरा तो राष्ट्रपति के पास भी नहीं गया होगा, ठीक। तो ऐसा बिल जो इस स्टेज पे है वो ऑटोमेटिकली समाप्त होता है कि नहीं होता? ऐसा बिल समाप्त नहीं होता है क्योंकि ये राज्यसभा का बिल, उधर लोकसभा विघटित हो रही है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे केस में बिल समाप्त अपने से नहीं होता, और यहाँ पर क्या दिया है, बिल समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो कथन है ये गलत है। आप में से कई ऐसे लोग जिन्होंने अभी अच्छे से तैयारी नहीं करी है, जो नए हैं, या फिर जिन्होंने डिटेल में संसद नहीं पढ़ा है, आप लोगों के सर के ऊपर से कई सारी बातें जा रही होंगी, लेकिन हमारे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज की वजह से हम पूरी चीजें यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। जितने मैं बता रही हूँ अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है तो एक बार जाके पढ़ें और फिर से इस प्रश्न को देखें, ठीक है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरे स्टेटमेंट पे आता है, संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान की स्थिति में समाप्त हो जाता है। संसद में मतलब किसी भी हाउस में, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, अगर कोई लंबित विधेयक है चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में और सत्रावसान हो जाता है, सत्रावसान मतलब मान लीजिए अभी चल रहा है शीत सत्र, और शीत सत्र के दौरान कोई विधेयक आया वो लोकसभा में राज्यसभा में है और उसके बाद राष्ट्रपति ने सत्रावसान की घोषणा कर दी, मतलब संसद के सत्र के अंत की घोषणा, उसी को तो सत्रावसान बोलते हैं ना। तो संसद का सत्र अंत हो जाएगा, फिर अगला जो सत्र होगा वो बजट सत्र होगा, ठीक। तो ये जो सत्रावसान होता है, क्या सत्रावसान होने से इन्हें राष्ट्रपति जब संसद के सत्र को अंत कर देता है, क्या ऐसे करने से जो उस वक्त लंबित विधेयक हैं वो समाप्त हो जाते हैं? नहीं समाप्त होते। जब अगला बजट सत्र आएगा ना तो अभी जो बिल पर पूरा निर्णय नहीं हो पाया ये बिल फिर से लाया जाएगा अगले सत्र में। तो अगर सदन, अगर संसद के सत्र का अंत होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल समाप्त हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, वो अगले सत्र में दोबारा लाया जाएगा या आगे की प्रक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए लोकसभा से पारित हुआ राज्यसभा में पढ़ने के, तो अगले सत्र में वो राज्यसभा में चला जाएगा सीधा, ठीक है। तो जिस भी स्टेज पे बिल था और सत्र खत्म हो गया उसी स्टेज से अगले सत्र से उस बिल को लिया जाएगा। तो सत्रावसान का बिल पर कोई भी, यानी विधेयक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि यहां लिखा है सत्रावसान की स्थिति में समाप्त हो जाएगा। इस वजह से ये दोनों ही कथन गलत हैं और आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी, ठीक। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आपने पढ़ा है याद आया तो रिलेट कर पाएंगे, वरना आपको जाकर इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डी होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पदच्युत करने के लिए इनमें से कौन से प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? कई बार कई तरीकों से ये बहुमत वाले प्रश्न पूछते हैं, मैंने एकदम सिंपल तरीके का प्रश्न यहाँ पे रखा है ताकि आपको थोड़ा बहुत मैं बहुमत के बारे में बता दूं। आप जानते ही हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जब भी कोई विधेयक को पारित करना होता है, जब भी कोई संकल्प को पारित करना होता है, तब वहां पे कुछ न्यूनतम मत चाहिए होते हैं किसी विधेयक को पारित करने के लिए। उसी न्यूनतम मतों की संख्या को बहुमत कहते हैं, न्यूनतम मतों की संख्या को बहुमत कहते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी सदन में 100 लोग हैं और मान लीजिए मुझे ये जो मार्कर है इसको बदलना है और मैं एक विधेयक लाना चाहती हूँ सबकी अनुमति के लिए, क्या मैं ये मार्कर बदलूं? तो मैंने एक विधेयक लाई और मैंने पहले से डिसाइड कर दिया कि 100 में से कम 75 लोग हाँ बोलेंगे तभी ये मार्कर बदला जाएगा यानी बिल पारित होगा, वरना नहीं। 50 लोग के बोलने से नहीं होगा, 60 लोग के बोलने से नहीं होगा, 75 लोग के बोलने से होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे 100 लोगों की उसमें मैंने मार्कर बदलने का विधेयक लाया, तो मैंने पहले से डिसाइड कर दिया कि 75 लोगों की कम से कम अनुमति मिलेगी, 75 लोग का जो मैं आंकड़ा रख रही हूँ यही बहुमत है, ठीक है, कि 75 लोगों की बहुमत से ही ये मार्कर बदलने का बिल पारित होगा वरना नहीं। हो सकता है किसी और तरह के विधेयक के लिए 50 का बहुमत रख दिया जाए, हो सकता है किसी के लिए बोला गया कि नहीं जब तक ये 100 के 100 लोग हाँ नहीं बोलेंगे तब तक नहीं, तो वो 100 का आंकड़ा बहुमत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए वोटों की जो न्यूनतम संख्या पूर्व निर्धारित होती है, ये लाइन रिपीट करती हूँ, किसी भी विधेयक या संकल्प को पारित करने के लिए वोटों की जो
संख्या पूर्व निर्धारित होती है सदन में, उसी को आप बहुमत बोलते हैं। ठीक, इसको आप एक डेफिनेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के चार बहुमत होते हैं, ठीक, जिनमें से यदि अगर आपको सदन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को पदच्युत करना है तो प्रभावी बहुमत से किया जा सकता है। बहुमत के बाकी प्रकार को जानने के लिए आपको मोबाइल कोर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम चौथे ही प्रश्न पर पहुंचे हैं, हम बाकी की तीन नहीं ले सकते, पर प्रभावी बहुमत क्या है ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको यदि हटाना है तो उसके लिए सदन में एक संकल्प आता है। मतलब अगर हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में एक संकल्प पारित करके ही उन्हें पदच्युत किया जा सकता है, उन्हें रिमूव कर किया जा सकता है। अब संकल्प पारित करना यानी बिल पारित करने के लिए जो बहुमत चाहिए वो प्रभावी बहुमत है। प्रभावी बहुमत कितना होता है तो प्रभावी बहुमत समझिए, प्रभावी बहुमत को समझने के आपको समझना होगा कि प्रभावी सीटें क्या होती है। प्रभावी सीटें होती है कुल सीटें माइनस रिक्त सीटें। ठीक, कुल सीटें माइनस रिक्त सीटें, मतलब मान लीजिए किसी सदन में, मान लीजिए हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में कुल वर्तमान में 245 सीटें होती हैं, 245 सीटों में मान लीजिए कोई सांसद है जिसकी मृत्यु हो गई, कोई सांसद ने इस्तीफा दे दिया, कोई सांसद को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इस वजह से 245 में से 5 सीटें खाली हैं। ठीक, तो कुल सीटें राज्यसभा में कितनी, 245, उनमें से किसी भी वजह से जिस समय किसी चीज पर मतदान लिया जा रहा है, मान लीजिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए जब वोटिंग ली जा रही है उस समय 245 की जगह 240 ही सीटें, मतलब रिक्त सीटें हैं 5, रिक्त सीटें हैं 5। ठीक है, इस समय 5 सीटें रिक्त हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग एबसेंट है, ऐसा है कि वो है ही नहीं, मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, हटा दिया गया, कोई भी वजह से वो लोग नहीं। तो प्रभावी सीटें कितनी हो गई, 240। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 240 वाले इस सदन में प्रभावी सीटों में आपको इसको पारित करना है तो प्रभावी बहुमत क्या होगा, प्रभावी सीटों का 50%। अब प्रभावी सीटें कितनी है, 240, उसका 50% यानी 120। ठीक है, कम से कम 120 लोगों की आपको सहमति चाहिए होगी तब जाके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पदच्युत करने वाले संकल्प को पारित किया जा सकता है, वरना नहीं। समझ में आई बात, प्रभावी बहुमत मतलब प्रभावी सीटों का 50%, प्रभावी सीट मतलब कुल सीटें माइनस रिक्त सीटें, रिक्ति इस्तीफे की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, मृत्यु की वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है प्रभावी बहुमत जिससे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो, बाकी के जो टाइप के जो बहुमत है उसको जानने के लिए मोबाइल कोर्स में डिटेल देख सकते हैं, मैं वहां नहीं लूंगी। इफेक्टिव मेजोरिटी थोड़ा सा डार्क पार्ट था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभावी बहुमत। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न 5 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको सत्य कथन को पहचानना है। ठीक, कथन पर विचार करें और सत्य कथन कौन से बताएं, तो एक एक करके हम कथनों को देख लेते हैं। संसद की संचित निधि पर भारत व्यय के अंतर्गत, अब यहाँ पे आ गया वर्ड, कुछ प्रश्न पहले मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था और कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक, भारत व्यय से संबंधित प्रश्न पूछा है कि इसके अंतर्गत कौन से तरह के व्यय आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दी जाने वाली पेंशन, ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिए जाने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन। पहली बात तो भारत व्यय होता क्या है समझिए। संसद की संचित निधि जो मेन राजकोष है हमारे संसद का, जहां से पूरे पैसे, टैक्स का पेमेंट जहां पे जाके होता है, जहां से हम ऋण के पैसे, योजनाओं के पैसे, वेतन भत्ते, जो संवैधानिक पद होते हैं उनके जो वेतन भत्ते पेंशन वगैरह होती है, जहां से वो पैसे निकलते हैं उसको हम संसद की संचित निधि बोलते हैं। ठीक है, तो संसद की संचित निधि से जो व्यय होता है ना, जो पैसा निकलता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ये भारत व्यय और दूसरा होता है संचित निधि से किए गए व्यय, किए गए व्यय। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन रहता है, भारत व्यय और किए गए व्यय। ठीक,
भारित व्यय जो होते हैं वो ज्यादातर कुछ विशेष संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते पेंशन और सरकार के ऐसे व्यय होते हैं जो ऋण संबंधी होते हैं, ठीक है, उस पर भी आऊंगी मैं क्योंकि उसी से प्रश्न है। और जो किए गए व्यय होते हैं वो ज्यादातर सरकार की जो योजनाएं होती है, मंत्रालय की जो योजनाएं होती है, बजट के दौरान जो योजनाएं बनाई जाती है उसके लिए जो पैसे निकाले जाते हैं वो संसद की संचित निधि से किए गए व्यय कहलाते हैं, ठीक है, योजनाओं के निकालते हैं। और भारित व्यय ज्यादातर पेंशन वेतन भत्तों से संबंधित होते हैं। दोनों में फर्क ये है कि भारित व्यय के लिए कोई वोटिंग नहीं होती, संसद की संचित निधि पर जितने व्यय भारित हैं वो नॉन वोटेबल पार्ट है, वो करना ही है, उस पर चर्चा हो सकती है पर मतदान नहीं होता, जबकि किए गए व्यय पर मतदान होता है। बजट के दौरान या अतिरिक्त अनुदानों के दौरान जो मतदान होता है वो संसद के संचित निधि पर किए गए व्यय के लिए ही होता है कि कितना निकालना है, कितना करना है, काट छांट जो भी होती है वो किए गए व्यय, लेकिन भारित व्यय पर मतदान नहीं होता, ठीक। तो भारित व्यय के अंदर आप कोई भी बुक या हमारी ही बुक कॉम्पिटिशन कमिटी की देखेंगे तो आपको मिलेगा, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपको 8-10 इंपॉर्टेंट मद दिखेंगे जो भारित व्यय के अंदर आते हैं। अगर मैं एकदम क्रक्स बता दूं उसका तो गौर से सुनिए कि किस तरह के व्यय, 10 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, या मैं कहूँ बुक्स में मिल जाएंगे लेकिन उसमें उसको मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ जो भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं। जितने इंपॉर्टेंट 4-5 केंद्रीय स्तर के पद हैं ना, राष्ट्रपति, नोट डाउन कर जाओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, उसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, 5वां यूपीएससी के सदस्य, 6वां सर्वोच्च न्यायालय के जजेस, 7वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक, रिपीट करती हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, फिर 5वां क्या कहा मैंने, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जितने सदस्य होते हैं, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश होते हैं, और कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सातों के वेतन भत्ते इसमें शामिल है। ये सातों के वेतन भत्ते संचित निधि पे भारित होते हैं और ये नॉन वोटेबल पार्ट होते हैं, इसमें चर्चा होती है पर ये उनको देना ही पड़ता है, इसमें कोई कांटछट नहीं हो सकती, ठीक है, ये शामिल है। उसके अलावा उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय के तो वेतन भत्ते पेंशन सब है, लेकिन जो उच्च न्यायालय स्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते और पेंशन है और उच्च न्यायालय की पेंशन भारित होती है, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो मैंने 7 बताई ना, 7 अलग अलग पॉइंट्स है, फिर उच्च न्यायालय के आप देख लो, फिर एक होता है सरकार जहां से भी ऋण ली रहती है, ठीक है, और वो ऋण की अदायगी करनी रहती है तो उसके लिए जो व्यय होता है वो भी भारित व्यय ही होता है। तो ऐसे 7-8 जो मैंने मत बताया उसको ध्यान में रखना, प्रश्न उसी पर बनते हैं और देखिए प्रश्न भी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है कि अब यही सारे जो मैंने बताया ना वो भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं जिसपे वोटिंग नहीं होती, वो निकालना ही पड़ता है। तो देखिए इनमें से कौन से आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दी जाने वाली पेंशन, जी हाँ बिल्कुल, मैंने कहा वेतन भत्ते तो नहीं पर पेंशन जो है वो भारित होती है। ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, अभी मैंने कहा जितने भी ऋण की अदायगी भारत सरकार का की जिम्मेदारी होती वो होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन, वो जो 7 मैंने बताई थी उनमें से एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये तीनों ही जो कथन है वो सही है और इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 व 3, तीनों ही सही है। फाइन, ठीक, आई होप आपको समझ में आया, मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। ये आज का सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, मैंने आपको कहा कि संसद एक सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर जिसको मैं 6-7 चैप्टर्स में अपने मोबाइल कोर्स में डील करती हूँ, तो यहाँ पे इतनी विविधताएं हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मौलिक कर्तव्य समझा दिए, उसे 4 प्रश्न बता दिए, मौलिक कर्तव्य की ज्यादा बातें बताने की चीज नहीं, उसमें से प्रश्न भले ही 4 बन सकते हैं पर उसमें समझाने लायक चीज नहीं, इसमें बहुत सारी समझाने लायक चीजें आप देख रहे होंगे, हर चीज में कोई ना कोई नई अवधारणा आ रही है, तो एक एक प्रश्न पर आपके 4-4, 5-5 प्रश्न बन सकते हैं और एग्जाम में भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इतना समय हो गया और हम 5 क्वेश्चन तक पहुंचे, पर आप गौर से समझे कि जो जो पॉइंट्स आप प्रश्न, देखो प्रश्न की अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने बैठते हो, वो ऑब्जेक्टिव मत बनाओ, जो जो पॉइंट्स मैं बताते जाऊँ उसको नोट डाउन, वन लाइनर में नोट डाउन करते जाओ, और क्या पता कल को आपको उसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछे, हो सकता है अभी टेस्ट में पूछे, कल लाइव में पूछो, आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो बताने का मकसद यही है कि आज के सेशन में भी 12 क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्योंकि हर एक में बहुत सारी चीजें समझाने के लिए सो थोड़ा लंबा चलेगा सेशन, ठीक है। तो अगले प्रश्न में मूव ऑन करते हैं। 6, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है,
लोकसभा का अध्यक्ष एक फेवरेट टॉपिक होता है पीएससी का, अक्सर क्वेश्चन इसमें से बनते हैं एकदम सिंपल, मतलब ये शपथ लेता है कि नहीं, या फिर आपको पता होगा कि स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन तो शायद सैकड़ों बार आ गए पीएससी में। और उसकी जितनी एक्सक्लूसिव पावर्स होते, जो शक्ति होती है, जिसको विशेष अधिकार दिए गए, उसमें से भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप मान के चलो कि एक एक्सपेक्ट करके चलो कि स्पीकर पे क्वेश्चन बनता ही, ठीक है। तो देखा है, देखे आप यहाँ पे प्रश्न पूछे असत्य कथन, असत्य कौन सा है। तो स्पीकर बहुत डिटेल में पढ़िए, जहां से भी मिलता है आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है उससे भी डिटेल में जाके थोड़ा सा नेट पे सर्च करिए। आप लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ सकते हैं, आप सुभाष कश्यप की जो हमारी संसद बुक है वहां से पढ़ सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा डिटेल दिया गया है, वहां से ज्यादा संसद के क्वेश्चन उठते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सुभाष कश्यप की जो हमारी संसद बुक है, ठीक। तो देखते हैं कि करके लोकसभा अध्यक्ष ही ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल सही, अगर आपने लोकसभा अध्यक्ष के विशेष अधिकार सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे कि जब कोई धन विधेयक, अब यहाँ धन विधेयक वगैरह में डिटेल में नहीं जाने वाली, वरना समय और ज्यादा बर्बाद होगा, धन विधेयक वित्त विधेयक जब भी लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो वो किस तरह का विधेयक है ये प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। ये उसका विशेष अधिकार है कि ये कथन से स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में होती है, ये कथन गलत है। शायद हमको हमारा आंसर मिल भी गया, लेकिन आगे के दो हम जांचेंगे। स्पीकर को हटाना, अच्छा याद रखिएगा, मुझे 94 और 96 के तहत ये बोला गया है कि जब भी लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाना रहता है ना, तो एक संकल्प पारित करना होता है लोकसभा में, एक संकल्प पारित करना होता है। और अभी अभी मैंने बताया ना कि उसको हटाने के लिए वो विशेष प्रभावी बहुमत होता है, वो चाहिए रहता है, ठीक है। संकल्प पारित करके हम प्रभावी बहुमत से हटा सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो ये 94-96 के तहत दिया हुआ है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जब भी ऐसी कोई मीटिंग हो रही होती जिसमें संकल्प पारित हो रहा था, उस दिन स्पीकर अध्यक्षता नहीं करता, उसी के खिलाफ एक बिल आया है कि उसे हटाना है, और वो अध्यक्षता कैसे करेगा, तो अध्यक्षता नहीं करता। तो बात आती है कि उपराष्ट्रपति करता है, मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो करता है, नहीं, उस दिन की अध्यक्षता सदन का जो उपाध्यक्ष है वो करता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको बुक्स में ये तो मिल जाएगा कि स्पीकर अध्यक्षता नहीं करता अपने खिलाफ आ रहे उस पदच्युत के संकल्प के समय, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि फिर अध्यक्षता कौन करता। ध्यान रखिएगा, जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अध्यक्षता करता है, स्पीकर उसमें भाग ले सकता है, उसके खिलाफ जो विधेयक आया उसे हटाने के लिए उसमें भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है। और जब विधेयक पारित होना रहता है ना, संकल्प पारित होना रहता है जब इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, तो स्पीकर खुद वोट भी डाल सकता है। पर उस टाइम जब वो वोट डालेगा ना, वो एक आम सांसद के रूप में डालेगा ना, तो ना कि स्पीकर की हैसियत से, तो पहले इंस्टेंट में वो वोट डालेगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही होगी, उस समय जो अध्यक्ष बनकर बैठा रहेगा वो उपराष्ट्रपति नहीं होगा, वो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, ठीक। समझ में आ रही बात, तो इसलिए ये कथन गलत है। उसके बाद स्पीकर के पास शून्यकाल को कम करने या रद्द करने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल और मीटिंग के एजेंडे के बीच का समय होता है, इस समय को कम या ज्यादा करना या निर्धारित करना स्पीकर के हाथ में होता है, ये बिल्कुल उसकी एक शक्ति है। स्पीकर विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को नामांकित करता है, वैसे ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर स्वयं ही सदन की कई समितियों के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो दूसरी समितियां होती है सदन के कार्य के संचालन के लिए, उसके जो अध्यक्षों को नॉमिनेट करने की बात होती है वो स्पीकर ही करता है, इसलिए स्टेटमेंट भी सही है। इसलिए हमारा आंसर है बी, क्योंकि असत्य कथन पूछा है, आंसर है बी, ठीक। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 7 पे, ठीक। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव के द्वारा किसी अनुदान की मांग पर प्रस्तावित व्यय में कितनी कटौती की जाती है। अभी कुछ देर पहले मैं कटौती प्रस्ताव के बारे में बता रही थी। दरअसल जब भी अनुदान की मांग की जाती है, कुछ भी पैसे संसद की निधि से निकाले जाते हैं, तो तीन तरह के कटौती प्रस्ताव आते हैं ऐसे किसी भी मांग पर। पहला होता है आपका आर्थिक कटौती प्रस्ताव, दूसरा होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ठीक है।
तो जब भी मान लीजिए बोला गया कि इस पर्टिकुलर काम के लिए 100 रुपए निकालने हैं हमको, तो उस टाइम उस मांग पर काट छाट होती है और ये 3 तरह के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। आर्थिक कटौती प्रस्ताव मतलब यदि कोई सांसद चाहता है कि किसी मद में जिस 100 रुपए रखे गए हैं उसमें से कुछ पैसे कटवा लिए जाएं क्योंकि उसमें 100 रुपए के नहीं 70 रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, जब अनुदान की मांग का स्टेज होता है ना बजट की प्रक्रिया में, तब हर मंत्रालय वाले अपने अपने अनुदान की मांग करते हैं और हर योजना के लिए पैसे अलॉटेड रहते हैं। तो मान लीजिए किसी योजना पे 100 रुपए अलॉटेड है, ठीक है, 100 अलॉटेड है और किसी सांसद को लगता है कि उस योजना में 100 रुपए की जरूरत नहीं है, वो 80 रुपए में हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, 20 रुपए का आर्थिक कटौती प्रस्ताव लाएगा और बोलेगा कि इसमें 20 रुपए का मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूँ क्योंकि 80 रुपए में जाएगा। अगर वो पारित हो जाता है तो क्या कहा मैंने कि वो जो पैसे हैं वो कम करके 80 रुपए कर दिए जाते। तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव किसी निश्चित धनराशि को किसी निश्चित धनराशि से कम करना, यानी कि किसी योजना में जो प्रस्तावित व्यय है उसे एक निश्चित धनराशि से कम करना, ये आर्थिक कटौती प्रस्ताव होता है। ठीक है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव में अगर किसी योजना को बंद करना है तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए उस योजना की धनराशि को कम करके 1 रुपए करने की बात कही जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी योजना में 100 रुपए लगाए गए और मुझे उस योजना को ही हटाना है, तो मैं बोलूंगी 100 रुपए को कम करके 1 रुपए कर दिया जाए। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में कितने की कटौती होती, पूरे चीजों को कम करके 1 रुपए कर दिया जाता है, वो नीतिगत कटौती प्रस्ताव। ठीक है, जबकि सांकेतिक कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि किसी एक विशेष योजना पर चर्चा करना, योजना में पैसे लगाए गए वो तो ठीक है पर चर्चा करना है, कुछ काटछाट करना है, कुछ बदलाव करना है, सदन का ध्यान खींचना है, तो सांकेतिक रूप से उस योजना को हाईलाइट करने के लिए सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है और उस योजना पे जितनी धनराशि प्रस्तावित होती है उसमें से 100 रुपए काट लिए जाते हैं संकेत के रूप में कि भाई मैं इस पर चर्चा चाहता हूँ। मान लीजिए कोई योजना है जिसमें मान लीजिए 100 करोड़ रुपए अलॉटेड है और मैं चाहती हूँ एबिंगा सांसद कि उसमें चर्चा हो सदन में, तो लोगों का ध्यान उस योजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ और चर्चा करना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि मैं इस योजना पर जिसमें 100 करोड़ अलॉटेड है मैं उसमें 100 रुपए की कटौती करना चाहती हूँ। बोलने का तरीका पैसों में ही होगा, 100 रुपए की कटौती करना चाहती हूँ, मतलब 100 करोड़ में से 100 रुपए काटने से कुछ फर्क पड़ने वाला क्या, नहीं, और 100 रुपए काटने का मतलब है ये एक संकेत है कि मैं इस योजना पर चर्चा चाहती हूँ। ठीक है, तो ये होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव और उसी पर से प्रश्न पूछा हुआ है। ये 3 तरह कटौती प्रस्ताव याद रखिएगा, डिटेल के लिए मोबाइल कोर्स में चीजों को देख सकते हैं कि सांकेतिक कटौती प्रस्ताव द्वारा किसी अनुदान की मांग पर प्रस्तावित व्यय में कितनी कटौती की जाती। तो अभी हम कह रहे थे 100 रुपए की, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 100 रुपए। संकेत के रूप में 100 रुपए काटने की बात इसमें की जाती है क्योंकि जो बातचीत कटौती में होती है वो पैसों के लफ्जों में होती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नीतिगत लाना चाहते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे आर्थिक लाना चाहते हैं, हम पैसों की इतना पैसा कम करना चाहते हैं, इतना पैसा काटना चाहते हैं, इतना पैसा काटना चाहते, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव उसमें पूरी धनराशि को काट कर 1 रुपए करने की बात होती है, जबकि सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में जितनी धनराशि अलॉटेड है उसमें से 100 रुपए काटने की बात होती है। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर ए। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे पंचायत राज से संबंधित प्रश्न। मैं आपको सदी ही प्रश्न कराऊंगी जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है, बाकी जो डिटेल अधिनियम से संबंधित और संवैधानिक प्रावधानों का जो लिंक करते हुए प्रश्न है वो आपको छत्तीसगढ़ जीएस की क्लास में करवाए जाएंगे। प्रश्न पढ़ते हैं, ये भी मल्टीपल क्वेश्चन पर आधारित है या कथनों पर आधारित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, सही है या गलत, मतलब आपको कूट दिया हुआ है, कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब आपको इन कूटों में बताना, देखो कौन कौन सा सही है, तो एक एक करके हम एनालाइज करते जाते हैं ताकि हम फाइनल आंसर तक पढ़ते पढ़ते पहुंच जाए। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, सबको पता है कि ये बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली पंचायत राजस्थान के नागौर जिले में बनी थी। ठीक, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर ये पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे लागू की गई थी नागौर जिले में। दूसरा राज्य जहाँ पे लागू हुआ था वो आंध्र प्रदेश था, याद रखें। ठीक है, नागौर जिला तो याद है करना ही है, पर राज्य कौन सा है, राजस्थान, तो पहला राज्य राजस्थान का नागौर और दूसरा राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। 1959 में वो सेकेंड राज्य था जहाँ में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है।
अगला स्टेटमेंट, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत की त्रिस्तरीय पद्धति की व्यवस्था की थी, सही या गलत? बिल्कुल सही। सबको पता है कि चार इंपॉर्टेंट समितियां बनाई गई हैं, उस समिति पर से भी प्रश्न आ गया, उस पर हम बाद में देखेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति बलवंत राय मेहता समिति है, जिन्होंने ही सिफारिश की थी कि ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए जिसमें पंचायतों को भी शामिल करना चाहिए, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ठीक, एक आपका जिला स्तर पर, एक जनपद स्तर पर और एक ग्राम स्तर पर, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद की जो अवधारणा है वो बलवंत राय मेहता समिति की देन है। ये समिति कब बनी थी? 1957 में समिति बनी थी, आगे हम और देखेंगे इसके बारे में। बहरहाल ये कथन जो है वो सही है। नागालैंड और मिजोरम में पंचायत प्रणाली नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए, वैसे तो भारत में 73वें संशोधन के बाद, यहाँ मैं एक थोड़ा सा प्रीव्यू दे देती हूँ हम किस सेक्शन पर आ रहे हैं, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। 73वें संशोधन के साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था रखी गई। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट सभी जानते हैं पंचायती राज से संबंधित था, 73वां संशोधन 1992, जिसके जरिए अनुसूची 11 जोड़ी गई और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। अनुसूची 11 के तहत 29 विषय वस्तु जोड़े गए जो पंचायती राज को या पंचायतों को अलॉट किए गए। ठीक है, तो उसी के संवैधानिक प्रावधानों से है। तो उसके बाद से तो ऐसा है कि 1992 के बाद से करीब करीब भारत के हर एक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है, क्योंकि कंपल्सरी कर दी गई थी। पर तीन राज्य ध्यान रखेंगे आप, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो याद रखिए ये स्टेटमेंट भी सही है कि यहाँ पर नहीं है, तो ये थर्ड भी सही हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र निर्माण हेतु स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही। ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ताकि एक गांव का व्यक्ति भी स्वयं के प्रशासन में या स्वयं के गांव के प्रशासन में भागीदारी ले सके, उसके लिए ये अवधारणा आई थी। गांधी जी की जो विचारधारा से प्रभावित एक नीति निषेध तत्व है अनुच्छेद 40 में दी गई, उसी को लॉ में बदल के, उसी को कानून में बदल के पंचायती राज को लाया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कुल मिला के चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी सत्य है। जो चीजें समझा रही हूँ कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कुछ कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रहण? और आपको सत्य कथन बताना है दिए गए नीचे वाले नोट में से। ठीक, तो देखिए उद्देश्य क्या है। अगर हम स्पष्ट रूप से जो संविधान निर्माताओं ने उसका उद्देश्य बताया या संविधान विदों ने इसका उद्देश्य बताया उसे देखेंगे, तो विकास में जन भागीदारी एक उद्देश्य है। ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र को तार्किक बनाने के लिए ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ना जरूरी है, तो जन भागीदारी को विकास का एक हिस्सा बनाना, ये बिल्कुल इसका उद्देश्य है, तो ये सही स्टेटमेंट है। राजनीतिक जवाबदेही, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राजनीतिक जवाबदेही केंद्र और राज्य स्तर पर हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के लिए ये संसद का एक, ये संविधान का एक, संविधान की एक अवधारणा है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं, तो वो हमारे तरफ से हमारे लिए शासन कर रहे हैं, तो वो हमारी ओर जवाबदेह, तो ये जवाबदेही वाली बात पंचायती राज सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम ही पंचायती राज या नगरीय निकाय है। स्थानीय स्वशासन मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगर केंद्र में प्रशासन चल रहा है तो वो केंद्रीकृत प्रशासन, अगर केंद्र ने अपनी शक्तियों को निचले स्तरों पर बांट दिया, राज्य को बांट दिया, तो वो एक स्टेप हो गया विकेंद्रीकरण का। राज्य ने जिलों को बांट दिया तो वो दूसरा स्टेप हो गया, जिलों ने गांव को बांट दिया तो वो तीसरा स्टेप हो गया। तो केंद्र से शक्तियों का निचले स्तर पर बंटवारा ही विकेंद्रीकरण कहलाता है, और पंचायती राज इसका सबसे सही उदाहरण। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था, इसलिए पंचायती राज बनाया गया। वित्तीय संग्रह, नहीं, ये भी कोई इसका स्पष्ट उद्देश्य नहीं। तो इस तरह से पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, और इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आता है।
केवल एक और तीन सत्य है, बाकी दोनों असत्य। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर है। अगले प्रश्न में मूव करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को उनके अस्तित्व में आने के क्रम में व्यवस्थित करें। जब से संविधान लागू हुआ था तब से पंचायती राज व्यवस्था कंपलसरी तौर पर भारत में नहीं थी। कुछ कुछ समितियां समय समय पर बनती गई, जिसके बाद 73वें संशोधन के जरिए एक ढांचा बनाया गया और भारत के सभी राज्यों में इसको कंपलसरी कर दिया गया। तो पंचायती राज के संविधान में अस्तित्व में आने से पहले जो चार पांच समितियां बनी हैं उनका पढ़ना जरूरी रहता है। जब आप छत्तीसगढ़ जीएस के लिए पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इनको डिटेल में पढ़ना रहेगा। यहाँ पे हम सतही तौर पर कुछ चीजें देखकर इसका आंसर लेने की कोशिश करते हैं। तो चार मुख्य समितियां बनी थी, उसको क्रम से दिया, पहले कौन से बनी बाद में कौन सी, मतलब आपको ना सिर्फ नाम याद होने चाहिए बल्कि कौन से वर्ष में ये बनी थी वो याद रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वर्ष लिख देती हूँ, फिर आप बताइए क्या आंसर है। पहली बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये बनी थी 1957। दूसरी बनी थी अशोक मेहता कमेटी, ये पहली बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरी अशोक मेहता कमेटी, ये बनी थी 1977 में। तीसरी जो बनी थी वो थी जी वी के राव समिति, ये बनी थी 1985 में। और चौथी जो थी वो थी एल एम सिंघवी कमेटी और ये बनी थी 1986 में। तो बलवंत राव मेहता, अशोक मेहता, जी वी के राव, एल एम सिंघवी, 57, 77, 85, 86, 1986। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही क्रम बताता है। ऑप्शन बी बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवी के राव और एल एम सिंघवी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब इन्होंने क्या अनुशंसाएं की थी वो अभी मैं यहां नहीं बता सकती हूँ, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा है इस वजह से। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से कौन संविधान के 12वें अनुसूची की कार्यात्मक विषय है। क्योंकि स्थानीय स्वशासन लिखा है मैंने, तो जाहिर सी बात है इसमें नगरीय निकाय भी आएगा। उस पर से प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची, आप जानते ही हैं कि 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन से जोड़ी गई 1992 के, और 12वीं अनुसूची क्या है, नगरीय निकाय। नगरीय निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक ठीक, तो 12वीं अनुसूची के कार्यात्मक विषय क्या है। तो जब ये 74वें संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई ना, तो इसके तहत इस 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय वस्तु रखे गए थे। जैसे पंचायती राज में 29 विषय वस्तु रखे गए थे, इसमें 18 विषय वस्तु रखे गए थे। और आप कोशिश करें कि पंचायत और नगरीय निकाय के कार्यों के अंतर्गत आने वाले 18 और 29 जो विषय हैं उनको एक बार सरसरी नजर से देख लें, क्योंकि उस पर से भी प्रश्न आते हैं। तो उनमें से वो जो 18 पॉइंट्स है उसमें से कुछ दिया है, आपको पहचानना कि कौन सा उनमें पॉइंट्स में है कौन सा नहीं। सड़क तथा पुल बिल्कुल है। देखो जो शहर होता है, जिस शहर में वो नगरीय निकाय है, उस शहर की जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें हैं ना, वो नगर के हाथों में ही होती है। चाहे वो नगर नियोजन हो, चाहे वो सड़क पुल की मरम्मत हो, चाहे वो अग्निशमन वगैरह हो, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। सड़क तथा पुल है, शहरी वानिकी बिल्कुल है, शहरी गरीबी उन्मूलन में बिल्कुल ही राज्य सरकार के साथ कार्य करती है, ये भी उस 18 वाली सूची में शामिल है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो केंद्र और राज्य की जो समवर्ती सूची उसमें शामिल है, यानी केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन की, ये पंचायतों की, ये नगरीय निकायों की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, और भूमि उपयोग का विनियमन ये भी है, जो शहर होता है उसमें जो भूमि उपयोग का विनियमन होता है उसके लिए भी यही जिम्मेवार होता है। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 और 5 सही है, 4 गलत है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी 1, 2, 3, 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, सो दैट इज इट, ये है 11th क्वेश्चन। अब अगले और लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आज का सेशन बड़ा था, पर आप ये ना सोचिए कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, आप 2 मेन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे पॉइंट्स को, हो सकता है कुछ एडिशनल बातें आपको इसमें जानने को मिल रही, क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं। ठीक है, तो 12 की जगह मान के चलिए आपकी कम से कम 50-100 क्वेश्चंस की इसमें तैयारी हो गई, अगर आपने गौर से चीजों को नोट डाउन किया होगा। सुमेलित करना है आपको पंचायती राज, नगर पालिका, कंटोनमेंट बोर्ड, संघ क्षेत्र को उनके मंत्रालयों से,
जितने विभाग भारत में वर्तमान में विद्यमान हैं वो किसी न किसी मंत्रालय के अधीन आते हैं। कोशिश करिए कि एक लिस्ट होती है भारत में सभी मंत्रालयों की और उनके अधीन आने वाले विभागों की, उस लिस्ट को आप याद कर लीजिए। किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, कि कौन सा विभाग कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक, जिस तरह से हम वरीयता क्रम याद करते हैं वैसी वरीयता क्रम के साथ ये वाली लिस्ट भी आप याद करें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मैच करके देखते हैं, दो तो बड़े ही सिंपल है, पंचायती राज और नगर पालिका। पंचायती राज आता है ग्रामीण विकास में और नगर पालिका आता है शहरी विकास में। यही से मेरे ख्याल से ऑप्शन बन जाएगा। देखो तो ए का टू डी का वन कहां पर है? अच्छा उल्टा दिया है, वन का डी टू का ए, वन का डी बी वाला टू का ए, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर भी हम बाकी के मैच कर लेते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड रक्षा मंत्रालय, संघ क्षेत्र गृह मंत्रालय में, थ्री का भी फोर का से, थ्री का भी फोर का से, बिल्कुल सही। कंटोनमेंट बोर्ड यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं छावनी बोर्ड। भारत में कुल मिला के वर्तमान में 62 छावनी बोर्ड है। ये एक तरह का शहरी विकास या मैं कहूँ एक तरह की शहरी इकाई होती है। आपको पता होगा 74वें संशोधन के जरिए 5-7 तरीके की शहरी इकाइयों की बात की गई थी, जिसमें से एक छावनी बोर्ड भी था। जहां जहां भी सेना की छावनी होती है ना, वहां पे एक छावनी बोर्ड बना दिया जाता है। वहां के जो सैनिकों की फैमिली रहती होती है उनके सामान्य प्रशासन के लिए, तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो भारत में 62 अभी कंटोनमेंट बोर्ड या छावनी बोर्ड है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि सेना की छावनी से संबंधित ही शहरी इकाई है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, और जो संघ क्षेत्र है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सो दैट इज इट विद टुडेज एफटीआर सेशन। आज के इस सेशन में काफी सारी वैरायटी, काफी सारे विविधता वाले प्रश्न हमने देखे। आई होप आपको समझ में आए हो। प्रश्नों की संख्या के ऊपर आपके जो कमेंट्स हैं उसमें हम इससे ज्यादा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे एफटीआर का कॉन्सेप्ट ही है आपको प्रश्न ज्यादा कराना इज नॉट द थिंग। यहाँ पे है कि हम आपको रिविजन आपके कोर्स का करा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। हम प्रश्न करा रहे हैं ऐसा नहीं, प्रश्नों के माध्यम से आपके कोर्स का हम रिवीजन करा रहे हैं। इसलिए जब रिवीजन करा रहे हैं और हम 10-12 अलग अलग कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं तो हमें करीब करीब 45-50 मिनट एक घंटा इसमें लग जाएगा, और हम इससे ज़्यादा प्रश्न लेंगे तो फिर समय की पाबंदी की वजह से हमको या तो एक्सप्लेनेशन कट शॉर्ट करना पड़ेगा या कुछ भी। तो आप समझ के चलिए कि एफटीआर का सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है प्रश्न नहीं है, वो आपका रिवीजन करवाना है कॉन्सेप्ट का। ठीक, तो लेकिन जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दो बड़े बड़े चैप्टर्स थे, कई छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे जहाँ से बहुत ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं बनते होंगे, तो वहां पे हम 10 की जगह 12 की जगह 15 हो सकता है 20 प्रश्न भी ले लें। लेकिन जितने पढ़ाया जा रहा है उससे प्रश्न अपने से बहुत ज्यादा आपके बन जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल आप 6 बजे लाइव सेशन के लिए तैयार रहिएगा। अभी जब जितना पढ़ा उसे भी रिवाइज करिए, और जो विविध वाले टॉपिक है जो आगे के 2-3 लेक्चर में मेंशन नहीं होने छोड़ सकते हैं अभी आप, उसके अलावा जितने टॉपिक्स हैं उनके लिए भी प्रिपेयर रहिए, अपने क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिए। और आज के सेशन में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।